तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक और धमाकेदार मूवी मार्वल स्टूडियोज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में, जिसमें क्रिस पैरट, जोई सल्दाना, देव बतिस्ता और करेन ग्लिन जैसे और भी बड़े बड़े एक्टर हैं। और बताया जा रहा है कि ये मूवी जेम्स गुन की डायरेक्टरी में लगभग $350 मिलियन की होने वाली है, जो अमेरिका की सबसे महंगी मूवी में से एक है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी एक और सुपर हीरो फिल्म लाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पार्ट 3 अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है। मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फिंगे ने इस फिल्म के ट्रेलर के साथ दर्शकों को खुश करने के लिए जोई सल्दाना को भी लोगों से मिलवाया। जोई सल्दाना फ्रेंचाइजी में गमोरा की भूमिका निभा रही है और अब दर्शकों को इस फिल्म का और भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। मार्वल स्टूडियोज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में मिसफिट्स का बैंड इस बार कुछ अलग दिखाई देगा। एक बार फिर गैलेक्सी की रक्षक बनकर पीटर क्विल की पूरी टीम लौटी है, जो सबको बचाने के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी टीम में गमोरा की कमी खल रही है और उन्हें पीटर भी काफी मिस कर रहे हैं। पीटर क्विल अभी भी गमोरा के नुकसान से जूझ रहे हैं। उन्हें ब्रह्मांड की रक्षा करने के साथ साथ अपनी भी रक्षा करनी है और उनके टीम को ब्रह्मांड के चारों ओर एक रैली करनी होगी। यह एक मिशन है। अगर यह मिशन असफल हुआ तो यह गार्डियंस के अंत की वजह भी बन सकता है। और ये मूवी 5 मई 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, वो भी बहुत सारे लैंग्वेज में, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और किस लैंग्वेज में देखने जाने वाले। तो चलिए, अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।